आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सायरन दे रखा है, एस हम सायरन मान लेते हैं, जो कि क्लिफ से क्लिफ की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और ये सायरन क्या कर रहा है, उससे दूर जा रहा है। हम यहाँ पे रेस्ट पे हैं, वी आर एट रेस्ट, और ये एक सायरन जो है ये फ्रीक्वेंसी एमिट करता है 1000 हर्ट्ज से, ठीक है। अब हमें पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यू हियर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सायरन। तो हमें सायरन तो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ एपरेंट वन। जो एफ एपरेंट वन है वो किसके बराबर होगी, सायरन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन यू एंड साउंड, ओके, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सायरन एंड साउंड। सो दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू, अब रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, हम तो भैया रेस्ट पे हैं, तो क्या हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर सायरन की, उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 अपॉन नीचे क्या आएगा 330। अब सायरन जो है वो राइट साइड में जा रहा है और जो साउंड की स्पीड है वो जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या आएगा 330 माइनस ऑफ 10, तो कितना हो गया 1000 इंटू 330 बाय 340, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 970.6 हर्ट्ज। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यू हियर दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द क्लिफ। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिफ को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही है वो देखेंगे। तो उस केस में एफ एपरेंट टू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय क्लिफ, वो कितनी आ जाएगी एफ इंटू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन क्लिफ एंड साउंड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सायरन एंड साउंड, तो कितनी आ गई ये एफ इंटू रिलेटिव वेलोसिटी क्लिफ और साउंड के बीच की, वो तो कितनी हो गई स्पीड ऑफ साउंड बाय स्पीड ऑफ साउंड। इस केस में स्पीड ऑफ साउंड और सायरन की जो स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वी एस माइनस वी ऑफ सायरन इक्वल्स टू 1000 इंटू 330 बाय 330 माइनस 10, तो 1031.3 हर्ट्ज। ये तो हमारी क्लिफ ने सुनी, इसने कहा रिफ्लेक्टेड बैक कितनी होगी। अब क्या होगा कि देर इज नो रिलेटिव मोशन, देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन क्लिफ एंड वाई, सो the frequency that is reflected back from cliff is equal to frequency heard by
सो जो एफ एपरेंट थ्री है, एफ एपरेंट थ्री यहाँ पे क्या चीज है कि कितनी रिफ वाई आदमी ने सुनी, तो वो कितनी होगी एफ एपरेंट टू के बराबर, यानी 1300, 1.3 हर्ट्ज। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, सी। सी में हमसे क्या पूछा है, सी में हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी वुड यू हियर, टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ एपरेंट थ्री बीट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी, इसका डिफरेंस कौन सी, एक तो जो फ्रीक्वेंसी हमें रिफ्लेक्ट होके सुनाई दे रही है, माइनस एक हमें जो डायरेक्ट सुनाई दे रही है, इक्वल्स टू जो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रही है वो तो एफ एपरेंट थ्री हो गई, माइनस जो डायरेक्ट सुनाई दे रही है वो हो गई एफ एपरेंट वन। तो 1003 1.3 माइनस 970.6 ये सुनाई दे रही है 60.7 हर्ट्ज़। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।